नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार भर में केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। और इस सबके बीच आपको बताएं कि अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। लेकिन बता दें आपको कि इस बार जो बयान जीतन राम मांझी की तरफ से दिया गया है वो शायराना अंदाज में दिया गया है, यानी कि एक बार फिर से जीतन राम मांझी चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए शायरी जो है वो लिखी है। और इस शायरी के माध्यम से ही जीतन राम मांझी ने ये बड़ा हमला बीजेपी पर किया है। बता दें आपको कि बिहार भर के जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार से ये मांग की जा रही है कि अग्निपथ योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। लेकिन इस कड़ी में बात करें तो अब जीतन राम मांझी की तरफ से ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा गया है, जिसमें जीतन राम मांझी ने लिखा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यानी कि इस ट्वीट के माध्यम से जीतन राम मांझी ने ये बताने की कोशिश की है कि जो हंगामा, जो प्रदर्शन बिहार में हो रहा है, इससे सिर्फ हमारी पार्टी को ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी इसका नुकसान आगे आने वाले दिनों में उठाना पड़ेगा। बता दें आपको कि इस वक्त विपक्ष की तरफ से एनडीए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी, पीएम मोदी, इन तमाम लोगों पर जो है निशाने साधते हुए बयान जारी किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि इस बीच जीतन राम मांझी की तरफ से ये ट्वीट करते हुए ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो छात्र इस वक्त सड़कों पे उग्र नजर आ रहे हैं, रेलवे ट्रैक इनकी तरफ से जाम किए गए हैं, ऐसे में इसका खामियाजा सिर्फ हमारी पार्टी को ही नहीं बल्कि आगे आने वाले दिनों में बीजेपी को भी उठाना पड़ेगा और बीजेपी इससे छूता नहीं है। यानी कि सीधे सीधे नहीं बल्कि गोल गोल घुमाते हुए जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर यह बड़ा हमला बोला है, जिसको लेकर ये ट्वीट इस वक्त जीतन राम मांझी की तरफ से किया गया है। बात अगर हम करें तो कल भी बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज सुबह से भी देखने को मिल रही है, जहां पर छपरा, नालंदा, गया, साथ ही साथ भागलपुर, नवादा, इन तमाम जिले में जो प्रदर्शनकारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, साथ ही जो यातायात है वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि स्टेशन पे इन उग्र छात्रों की तरफ से जो तोड़फोड़ है वो किया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और यही वजह है कि इस नुकसान को देखते हुए रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जहां पे कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। लेकिन इस बीच अगर हम बताएं आपको तो बीजेपी ने जहां एक तरफ अग्निपथ योजना को लाने का फैसला लिया है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है, तो वहीं इसका असर बिहार में होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि यह प्रदर्शन एक तरफ जहां उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं जीतन राम मांझी अब छात्रों के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि शायराना अंदाज में ये बड़ा हमला जीतन राम मांझी ने बोला है, जिसमें निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, केंद्र सरकार है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।